प्रिय छात्रों, बे प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो तीसरी कहानी है माता और विमाता, माँ माता यानी माँ, विमाता यानी सौतेली माँ, जो परवरिश करने वाली माँ, जो पालन पोषण करने वाली माँ। तो देखिए किस प्रकार, जैसे देखा होगा आपने, जैसे कृष्ण को जन्म देने वाली माँ हो, उसकी परवरिश करने वाली माँ के बारे में हो, किस प्रकार जैसे जन्म देने वाले से भी बढ़कर जो परवरिश करने वाली का माँ का प्यार भी सर्वोपरि होता है, कृष्ण के जीवन में भी आपने देखा होगा। तो किस प्रकार जैसे माता विमाता, इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर होने वाली घटना को एक साहित्यिक रूप में कथा जोड़कर इस कहानी का निर्माण किया है। जैसे बीती कक्षा में हमने देखा किस प्रकार एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बंजारीन औरत, जो किस प्रकार एक छोटी उम्र की औरत के कोख से जन्म लिए बच्चे को 7 महीने पहले से परवरिश से दूध पिलाकर परवरिश करती है, जब रेलगाड़ी में एक दिन जाने लगती है तो उसकी माँ ने उसे झपट कर बच्चा छीनने की कोशिश करती है, हाथापाई होती है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। गाड़ी कुछ क्षण में छूटने वाली थी, हरी गंडी सिग्नल भी हो गया था। तो देखिए उस वक्त हवलदार आकर दोनों की झगड़े को, प्रॉब्लम को सुनता है, तो दोनों अपने अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अपने बीती कक्षा में देखा। तो देखिए क्या हवलदार, वो फिरोजपुर के बंजारी ना है, वो वहाँ रहने के लिए जाने लगी है, जो जन्मदिन माँ अपने बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं है। तो बीती कक्षा हम यहाँ तक उसका इस कहानी के बारे में विवरणात्मक रूप में जानकारी अध्ययन हासिल किए थे। अब आगे देखिए, हम बंजारे हैं हवलदार जी, पहले हमारे लोग ने आज जमीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाई की है, अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिले, हमारी सभी लोग चले गए हैं, पर ये मुझे छोड़ती नहीं। ये बंजारीन कहती है हमारे सभी लोग फिरोजपुर में हैं साहब, मैं फिरोजपुर जाने लगी हूँ। हवलदार दुविधा में पड़ गया, दुविधा सोचने लगा, कंफ्यूज हुआ उसे। ये तो कहती है बच्चे को गोद लिए हूँ, ये कहती है मैं जन्म दी हूँ माँ हूँ। तो देखिए एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरे ने दूध पिलाकर बड़ा किया, बच्चा किसका है? हवलदार भी दुविधा में पड़ गया, एक ने जन्म देकर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर उसे पालन पोषण किया, तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा ऐसे दे दिया, तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्ची की माँ से पूछा, हवलदार ने क्रोध होकर पूछा, तेरा परिवार कहाँ है, तेरा पति कहाँ है, तूने जन्म होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद इसके हवाले क्यों कर दी, तेरा परिवार कहाँ है, तू कहाँ की रहने वाली है, यहाँ कहाँ रहेगी जी, फूल के पास जो फूस के झोपड़े हैं यह वही रहती है। वो कहती है बंजारीन, ये कहाँ रहेगी, जो फूल के पास जो झोपड़ी है ना साल, वो वहां रहती है, हम भी वही पर रहते थे। वो बंजारीन भी बताती है, हम भी पहले फूल के पास जो झोपड़ी है ना साहब, पहले हम वहां रहते थे, मेरी पड़ोसी ना है जी, मंजूरी करती है इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी, ये तो मजूरी करती है साहब, इसका कोई नहीं है, तो मैंने इसकी नाल भी मैंने काटी थी। बच्ची के माँ उद्युक्त सा अपनी बच्ची की ओर देखी जा रही थी, जो बच्चे को जन्म दी माँ उसे उद्दिक्तता से देखने लगी, लगता है जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रही है। जारिन बताने लगी है हवलदार से कथा को, तो उद्दिक्तता से बच्चे को देखने लगी है, इसका घर वाला कहाँ है, हवलदार पूछता है, इसका पति कहाँ है, इसका घर वाला कोई नहीं जी, यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है। बंजारिन बोली, इसका कोई पति नहीं है, वो मर्दों के पीछे भागते फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं, कोई भी मर्द इसे बसाता नहीं, पत्नी बनकर वो मर्दों के पीछे भागती है साहब, और मजदूरी करते इधर उधर घूमती है, इसका घर बार होता तो ये बच्चे को जन कर फेंक क्यों जाती साहब, इसका अगर परिवार होता, इसका पति होता, बच्चे को जन देकर क्यों फेंकती साहब,
इतने में गार्ड ने सीटी दी प्लेटफॉर्म पर। जो बड़ी उम्र की औरत बताने लगी, इसका कोई परिवार वाला होता साहब तो बच्ची को कैसे फेंकती। इतने में गार्ड ने सीटी मारी, भीड़ में से छटक कर लोग अपने अपने डिब्बे की ओर जाने लगे। जो मुसाफिर लोग भी डिब्बे से उतर कर देखने लगे थे घटनाक्रम को, सब डिब्बे में भागने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी, बच्ची की मां ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ ले। बंजारन भी बच्चे को लेकर डिब्बे की तरफ जाने लगी, बच्ची की मां ने बंजारन के पांव पकड़ ली। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, वो बच्ची की मां चिल्लाने लगी। कुछ एक लोगों को तरस आया, हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, सब लोगों को दया आने लगी। मत ले जा मेरा बच्चा, मत ले जा मेरा बच्चा चिल्लाती आए, हवलदार को भी तरस आया, बच्चा वापस दे दे। हवलदार ने बंजारन से कहा, दे दो बच्चा, वापस दे दो, अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो उसे नहीं ले जा सकते, उसके कोख से जन्म हुआ बच्चा, अगर वो माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तुम उस बच्चे को नहीं ले जा सकते, लौटा दो बच्चा। हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी, तेज आवाज, दे दो उसका बच्चा। बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी, वह छटपटा गए। बंजारन को पुलिस ऐसा कहेगा उसे आशा नहीं थी, जब हवलदार से क्या जवाब सवाल करती, छटपटाई गई। मैं क्यों दे दूं जी, ये बच्चा मेरा है, अपने बच्चे को भी कोई देता है, किसको दे दूं, इसका ना घर ना घाट साफ। हवलदार से बंजारिन कहती है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे क्यों दे दूं, ना इसका घर ना घाट, इस बच्चे की परवरिश क्या करेगी साहब, मैं नहीं दूंगी। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो, बच्चा माँ के हवाले करो, वरना हवालात में बंद कर दूंगा। हवलदार ने धमकाया, गाड़ी छूटने का वक्त हुआ है, बच्चा माँ के हवाले कर दो, वरना तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। हवलदार ने आपकी बार कड़कती आवाज में कहा, और घबरा गई और किरकत मोड़ से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। जो बच्चा गोद में है बंजारीन औरत, क्रिकेट जैसे किस प्रकार क्रिकेट मोड़ कर सभी लोगों को देखने लगी। फिर अपनी साथीन की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, तो देखिए जो कम उम्र वाली साथीन जो उसके बच्चे की माँ को, ए हरामजादी कुतिया, देहांती भाषा में गाली देने लगे, ये हरामजादी कुतिया, ये आकर मुकर गई, यहां आकर मुंह फेर लिया तूने प्लेटफॉर्म पर, बच्चे को मुझे देती ना, ले बेगरत, ले संभाल तेरा बच्चा, ले तेरा बच्चा है ना, ले। फिर कहना, दूध पिला को, जहर पिलाऊंगू इसे भी और तुझे भी, और एक बार कह के देखना, इसे दूध पिला, इस बच्चे को भी जहर पिलाऊंगे और तुझे भी। नालायक कहीं की कुतिया कहीं की कर गाली देने लगती है, 7 महीने तक अपने बच्चों का पेट काट कर से दूध पिलाया है साहब। बंजारिन कहती है, 7 महीने मेरे सगे बच्चों का मुंह काट कर, पेट काट कर इन इसके बच्चे को दूध पिलाया है साहब, और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया, और फूट फूट कर बंजारिन भी रोने लगी। झटक कर क्या करती है, उस बच्चे के माँ के गोद में देने लगी और रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया, बच्चे के मिलते हुए ममता की मारी रोने लगी। जो को जिस कोख से जन्म हुआ था वो कम उम्र वाली औरत बच्चे को अपने सीने से लगाकर माँ की ममता एक भावनात्मक होकर रोने लगी। अजीब तमाशा था, जैसे भीष्म सहानी ने कहानी के दृश्य को बताने लगे हैं। दोनों औरत रोए जा रही थी, माता भी रो रही है, ये माता भी रो रही है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। देखिए भगवान की कैसे विडंबना है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक बच्चे की माताएं। बेगर लोगों को ना हंसने की तमीज होती है ना रोने की,
बेघर यानी जो रहने के लिए घर नहीं होते हैं। देखिए बड़े बड़े स्लम्स एरिया में, बड़े बड़े नगरों में, जो जहाँ खुली जगह रहती है, जहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के नज़दीक हो, रेलवे की सड़क हो, बस स्टैंड के करीब हो, छोटी छोटी झोपड़ियाँ डालकर जो बसेरा करते हैं उन्हें बेघर लोग कहते हैं। ना उन्हें हंसने की तमीज़ होती है, ना रोने की, और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अभी मुठिया बिछो सो रहा था। आज भी बच्चा हो मुठिया बंद कर आंखें बंद कर दुबला पतला पित्तल का मारा बच्चा अभी भी मुठिया मार कर सो गया है। बंजारन गालियां बकती रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। बंजारन हजार गालियां देने लगे उस बच्चे को, मां को बड़बड़ाते गाली देते चढ़ गई। तुमने तुम्हें बच्चा मिल गया, यहां से चली जाओ फौरन, जाओ तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल गया ना, चली जाओ यहां से। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी के नोक से रखते हुए सोए हुए बच्चे को पीठ पर छड़ी रखा, धमका कर कहा फौरन चली जाओ यहां से। उस बच्चे को मां को कहा चले जाओ फौरन यहां से। बच्चे को छाती को चिपकाए मां पीछे हट गई, भीड़ बिखर गई। हवलदार कहते बच्चे की मां सीने को लगा लेती है, पीछे हटती है, पूरा भीड़ खाली हो जाती है। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्ला जा रही थी। डिब्बे जो रेलवे का डिब्बा होता है, दरवाजे में ठहरी हुई है बंजारन, अभी भी हजार गालियां बकने लगी है। एक कंजरी हरामजादी, तूने इसे जंती क्यों नहीं मार डाला? एक कंजरी ये हरामजादी, तूने जंती इसे क्यों नहीं मार डाला? जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा नास पिट्टी। जब तुम इस बच्चे को मार डालेगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जब जन्म हुआ तब क्यों नहीं मारी नास पिट्टी? कुरकुर बंजारन गाली देने लगी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी। देखिए बच्चा अपने माँ की गोद में आते पहचान गया। यह तो कारण रहा वो हवलदार के बेग के नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया था। हवलदार की छड़ी के नोक से बच्चा जाग गया। नन्नी नन्नी मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा। तो देखिए नन्नी नन्नी मुट्ठियों से बच्चा क्या करने लगता है, जैसे अपनी नाक पीसने लगा, और फिर आंखें थोड़ी देर बाद अपनी मुट्ठी मुंह में लेकर उसे चूसने लगा। नन्नी नन्नी मुट्ठियों से नाक पीसने लगता है, आंखें खोल कर नन्नी नन्नी मुट्ठी अपने मुंह में डालता है। औरत अभी भी उद्रिक्तता से पीछे हट गई, प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई। जो बच्चे को जन्म दी औरत बच्चे को गोद में लेकर क्या करती है, जैसे प्लेटफॉर्म की दीवार के पास बच्चे को ले जाकर खड़ी हो गई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा। बच्चे को दूध पीने की समय हो गया है, बच्चे को दूध चाहिए, मुट्ठी चूसने लगा, दूध न मिलता देखकर बिल्कुल जग गया बच्चा। दूध न मिलने के कारण जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटक कर रोने लगा। अपने माँ के गोद में दोनों टांगे पटक पटक कर बच्चा रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया। माँ ने देखिए उस बच्चे को दाएं कंधे से हटाकर क्या करती है, जैसे बाएं कंधे पर लिटा लिया। लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा, शोर मचाने लगा। माँ परेशान होती, माँ बच्चा दूध के लिए रोने लगा, तरसने लगा, माँ परेशान हुई। कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखते, कभी बाएं कंधे पर, कभी दाएं कंधे पर, कभी बाएं कंधे पर रखती है, बच्चे को सुलाने की कोशिश करती है, करवट बदलाती है। तो देखिए हर रूप में बच्चा जैसे पैर मार मार कर रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर से चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल, नास पिट्टी मार डाल, इसे जहर क्यों नहीं देती? अभी भी ट्रेन छुट्टी नहीं है, बंजारिन खड़ी हुई है, मार डाल उस बच्चे को, मार क्यों नहीं डालती, जहर दे दे नास पिट्टी।
इसे जहर क्यों नहीं देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई, बच्चा रोएगा नहीं। दोपहर से बच्चे को दूध एक बूंद तक नहीं पिया तो बच्चा रोएगा नहीं। कुल मुही कहे की नास पिट्टी कहे की, मार डाल बच्चे को। हवलदार छड़ी झुलसाता वहां जा चुका था, दो एक कूलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर की पीछे को नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, केवल दो कूली थे। हवलदार चला गया था प्लेटफॉर्म की दीवार के पास। माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी, जैसे ट्रेन के पीछे जैसे क्या गार हरी झंडी दिखाने लगा था। गाड़ी ने सीटी दिया और चलने को हुई, गाड़ी छूट गई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते में जेब में से मूंगफली के कुछ दाने निकाल कर बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। बच्चा रोने लगा। माँ क्या करती है, जैसे कुछ जेब में से मूंगफली निकाल कर बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। नास पिट्टी है क्या उसके मुंह में डाल रही है? मेरे बच्चे को मार डालेगी कसाई कजरी? क्या मेरे बच्चे को मुंह में ठूस रही है? मेरे बच्चे को मार डालेगी कसाई काय की, कजरी काय की? कहते हुए बंजारीन चिल्लाती है। घूम कर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गटरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई। बंजारीन क्या करती है, जैसे अपनी लगेज छोटी सी गटरी प्लेटफॉर्म फेंके और बड़बड़ाते हुए गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर कर बंजारीन नीचे आ गई। क्या मेरे बच्चे को मार देगी? गटरी फेंकती है और बंजारीन उतर गई। हरामजादी मेरी गाड़ी छूट दी, मौत खाए तुझे नास पिट्टी, नालायक कुत्ती कहेंगी, नास पिट्टी कहेंगी, तेरे वजह से मेरी गाड़ी छूट गई। कहते हुए बंजारीन गाली देते उतर गई। गाड़ी निकल गई, एक एक करके कूली स्टेशन के बाहर सब चले गए। पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया, प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया, पूरा साइलेंट मोड। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था। हवलदार गश्त चला रहा था जब प्लेटफॉर्म की उस छीर के तरफ चला गया, लेकिन जब छड़ी झुलसा था वो वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटक कर वही दोनों औरतें बैठी थी। जब हवलदार उधर से इधर जब गश्त लगाते आया, प्लेटफॉर्म की दीवार के पास दोनों औरतें सटक कर बैठी हुई हैं। बंजारा ने अपनी गोद में बच्चे को लिटे उसे अपने आंचल से ढके दूध पिलाने लगी है। बंजारीन उस औरत क्या करने लगे, बच्चे को गोद में लेकर आंचल में आंचल ओढ़ाकर बच्चे को दूध पिलाने रही थी। पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहलाने लगी थी। तो देखिए किस प्रकार, जैसे देखा आपने एक माता और एक माता, इस कथा को किस बेजोड़ भीष्म साहनी ने इस कथा को जोड़ने की कोशिश की है। जैसे गाड़ी छोड़कर गट्टी फेंकती है, मंजारीन उतर कर जब बच्चे को आंचल ओढ़ कर जब दूध पिलाने लगती है, मासूम सा बच्चा जैसे चुप होकर दूध पीने लगा है, और जो जन देवी माँ बच्चे के सिर पर बात सहलाते हुए बैठी है। हवलदार देखकर माता के ममताओं को, माता के प्यार को देखकर आश्चर्य चकित हो जाता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार इस कहानी के अंदर जो भीष्म साहनी ने जो माता और माता, देखिए एक एक वक्त ऐसा होता है जैसे जो जिस कोख से जन्म ले, माँ के कोख से जन्म ले बच्चा, जैसे परवरिश करने वाली माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करता है और सबसे ज़्यादा उसके लगाव होता है। कुछ माता, कुछ सौतेली माँ जो परवरिश करने वाली माँ ऐसे होते हैं जो जन्म देने वाली माता से बढ़कर उसे प्रेम देने वाली माताएं भी ऐसे होती हैं। जो माता आज बंजारीन के रूप में किस प्रकार अपने माँ का फर्ज अदा करती हैं, जो ट्रेन से उतर कर वो बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो देखिए ऐसी घटना इस कहानी के माध्यम से माता यो माता, इस कहानी में जो भीष्म साहनी ने एक माँ के प्रेम को जैसे बेखुबी रूप से यानी
कथा को जोड़कर जिस किस प्रकार जैसे दो औरतों के बीच में दो औरतें एक के एक दुश्मन है, लेकिन फिर भी जैसे एक बच्चे के लिए दो माताएं हैं तो बच्चा कितना खुद नसीब है। तो देखिए एक बच्चे के लिए दो माओं का प्यार, तो इस कहानी के माध्यम से आज हमने एक सामाजिक जैसे कहानी के माध्यम से आज हमने ये पूरी जानकारी विवरणात्मक रूप से चर्चात्मक रूप से कहानी में जानकारी हासिल की। तो संपूर्ण ये जो तीसरी कहानी आपके पाठ्यक्रम के लिए है, जो माता और युमाता, ये कहानी संपूर्ण रूप में आज यहाँ इस कक्षा में समाप्त होती है। तो अगले कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो आप सभी को धन्यवाद।